नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में चर्चा होगी बागेश्वर धाम की, क्योंकि बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 156 निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह संपन्न हुआ है और वहां की तस्वीरें अद्भुत निकलकर सामने आई हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी विस्तृत में देने वाले हैं। साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी पता चलेगा कि बागेश्वर धाम के मंच पर 8 मार्च को बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किस तरीके से लाखों की भीड़ में हंसी के ठहाके लगवाए। इसके साथ ही यहाँ पे समधी को भी होली की तरह यहाँ पे रंग लगाया गया, हल्दी लगाई गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुँचे हुए थे। साथ ही यहाँ पे देश के जाने माने सिंगर सोनू निगम भी पहुँचे थे और इसके अलावा रेसलर दाखली भी पहुँचे हुए थे। तो इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रही है ताकि हर अपडेट से आप रूबरू रह सकें और बागेश्वर धाम की अद्भुत तस्वीरों को आप अपने आँखों से देख सकें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे 156 निर्धन कन्याओं का जो विवाह समारोह संपन्न हुआ है उसकी तस्वीरें किस तरीके से सामने निकल कर आई हैं। और वहाँ पर पंडाल के नीचे मौजूद कुछ लोग तो ऐसे थे जो भावुक हो गए और उनकी आँखों से आंसू छलकने लगे, क्योंकि एक साथ 156 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न होना और बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मंच से ऐसी बात कहना लोगों को दिल कर गई, जिसको लेकर यहाँ पे अलग ही तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तो इस वीडियो में आज हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं सबसे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कई तरीके की बातें कही हैं। उसके बीच में यहाँ पे वरवधू की जयमाला करवाई गई और यहाँ पे कई अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ पे मंच पर एक साथ कई दूल्हा दुल्हन मौजूद थे और साथ ही यहाँ पे उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बातचीत करते हुए अपने किस तरीके से खुशी का इजहार किया, सबसे पहले यह जान लीजिए। आज बाबा महादेव की शादी भी है जो महाशिवरात्रि के नाम से जाने जाते हो। आज हमारा सौभाग्य है जो महादेव बाबा की शादी में हमारी भी शादी होने का सौभाग्य मिला। महाराज जी ने मोटरसाइकिल दी, किस तरीके से फर्राटे भरोगे आप? नहीं, मैं तो नॉर्मली चलाता हूँ, वैसे बालाजी की कृपा है तो सब अच्छा ही है। क्या उम्मीद थी कि बागेश्वर धाम में आपका विवाह संपन्न हो पाएगा? महाराज जी ने किस तरीके से आशीर्वाद दिया है? कभी सोचा करते थे कि बागेश्वर धाम पहले से जुड़े हुए हैं गुरुजी, बचपन से मतलब मित्रता का रहा, घर आना जाना रहा गुरुदेव जी का, और मतलब सोचा करते थे कि मतलब विवाह सम्मेलन में ना होगा तो विवाह सम्मेलन में ना हुआ अगर विवाह तो अपन मंदिर से भी करेंगे, ये अभिलाषा थी, लेकिन बालाजी की कृपा से सब अभी सम्मेलन का भी हो गया। यहाँ हमें बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत अच्छा सामान भी मिला है, गुरु जी की आशीर्वाद भी मिला है और बहुत अच्छा काम है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ शादी करके। गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का पुनीत काम करते हैं? उन्होंने मेरे पिता होने का फर्ज निभाया है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, उन्होंने मुझे बाप का पिता का एहसास नहीं होने दिया कि पापा नहीं है मेरे, इतना ही कहना चाहेंगे। राधे राधे। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज, तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड छतरपुर। तो आपने सुना और देखा कि दूल्हा दुल्हन अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम आपको ये बताते हैं कि बागेश्वर धाम के 8 मार्च को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंच पर कौन कौन अतिथि पहुंचे हुए थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिंगर सोनू निगम भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने यहाँ पर अद्भुत गीत गाए। इसके अलावा रेसलर दाखली भी पहुँचे हुए थे, जिनकी हाइट एकदम अद्भुत है, और यहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे तो उनकी हाइट इतनी कम दिख रही थी कि उन्हें
कुर्सी पर खड़े होकर उनका स्वागत करना पड़ा, तो ये भी अलग अंदाज की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए थे और इन्होंने यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जमकर तारीफ भी की है। इसके साथ ही यहाँ पे मध्य प्रदेश के कई मंत्री पहुंचे हुए थे और साथ ही पूरे देश और दुनिया से लाखों बागेश्वर धाम के भक्त यहाँ पे पहुंचकर धार्मिक महाकुंभ में यहाँ पे डुबकी लगा रहे थे। तो इस तरीके से ये महापर्व यहाँ पे मनाया गया जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे और जहाँ पर भी नज़र डालो वहाँ पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी और यहाँ पे 156 निर्धन कन्याओं के लिए मंडप सजाए गए थे और घराती बराती सभी पहुँचे थे, खुशी और आनंद ले रहे थे। इस दौरान मंच से सिंगर सोनू निगम ने कौन सा गीत गाया अब यह देख लीजिए। Thank you.
तो आप लोगों ने सोनू निगम के गीत सुने हैं, कैसा लगा गीत यह आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अब हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से जब हंसी के ठहाके लगाए तो वहां मौजूद लाखों के दर्शक यहां पे तालियां बजाते नजर आए और जमकर हंसी के ठहाके नजर आए। तो यहां पे पूरा कैंपस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बातों से हंसी से गुलजार हो रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। तो इस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से क्या बातें कही हैं यह भी सुनना अहम है, इसलिए सुनते हैं पूरा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान। आदि रामचरितमानस और भंडार बरातियों को पास से रसगुल्ला, बरातियों को दो दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि धूपा नाराज हो जाए। और आज तो हमने कहा भी है कि चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बरातियों को पिलवाओ ताकि दो चार बराती। अच्छा एक और हमने देखो यहाँ के बराती जो बरात आज आई है जितने भी दमाद बैठे हैं सुन लो काम खोल के, तुम्हारे बराती बहुत कंजूस से एक ने भी नामे डांस नहीं किया कैसे तुम्हारे जिया जिया लिया है गाने ही नहीं बजा वो बिटिया कहा का उतर रही विदेशी पहली बार। अच्छा शादी बिटिया कहाँ की है?
एक वो बच्ची, वो भी बच्ची थी जिसके पिताजी नहीं थे, वो भी बच्ची थी। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस तो नहीं हो, दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे हारे। अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है, इनकी भी वरमाला बाकी है, पूज्य स्वामी जी को बालाजी के दर्शन करने भी जाना है और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। लेकिन तब तक एक गीत हो जाए, हम तो भैया इन दूल्हा को ठाकुर जी देख रहे हैं, तो सब लोग दोनों हाथ उठा कर डांस करो। दोनों हाथ उठा के पहले ताली।
उधर बागेश्वर धाम के मंच पर द खली भी पहुंचे हुए थे जो रेसलर हैं इन भारतीय टीम के, तो यहां पे उनकी हाइट देखकर सब लोग अचंभित रह गए और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यहां पे द खली भी बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचेंगे। लेकिन जब उनके यहां पे तस्वीर देखी तो लोग एकदम तालियां बजाने लगे और उत्साहित हो गए और द खली ने मंच से बागेश्वर धाम की जमकर तारीफ की। इसके अलावा पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी कई तरीके की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसे प्राणी हैं जो पूरे देश का आज भला कर रहे हैं। इस दौरान द खली ने मंच से क्या कहा यही भी सुनिए। चलिए अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बागेश्वर धाम के इस पुनीत कार्य को लेकर जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रस्ताव भी छोड़ दिया। उन्होंने मंच से कहा कि यहां पे बागेश्वर महाराज अगर चाहें तो सरकार के साथ मिलकर किसी भी मूर्त पर शादी करवा सकते हैं, इसमें सरकार उनकी बराबर मदद करेगी क्योंकि ये निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह संपन्न कराते हैं, तो ये बहुत पुनीत कार्य है और किसी भी कन्या का की विदा करना और उनके कन्यादान करना बड़ा पुनीत का कार्य होता है, इसीलिए अब सरकार उनके साथ है, वो जैसे भी स्तर पर चाहें मदद ले सकते हैं क्योंकि सरकार द्वारा विवाह समारोह को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और बगैर मुहूर्त के शादी कराने को लेकर यहां पे विवाह समारोह संपन्न होते हैं। तो अगले किसी भी बगैर मुहूर्त के शादी करना चाहें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान विस्तार से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा यह भी सुनिए। बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो, जय श्री राम। अरे हम जहां खड़े होकर बात कर रहे हैं ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है, 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़कर। लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ
माननीय बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी निवेदन किया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है और उम्मीद करते आने वाले समय में मैंने महाराज जी से कहा कि सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है, अगर और तिथियों पे भी सरकार के साथ चल करके बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। चलिए, तो इस तरीके से आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। अब हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ी बात कह दी है और यहाँ पे मंच से उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो पहली, जो यहाँ पे जो खजुराहो है उसमें मूर्ति पूजा को लेकर भी उन्होंने बात कही है, वो हम आपको किसी अगले वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे विवाह समारोह के लिए उन्होंने कौन सी बड़ी बात कही है वो हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ पे मंच से कहा कि हमने एक बड़ा संकल्प लिया था, वो पूरा कर दिखाया है और 156 निर्धन कन्याओं का विवाह जो संपन्न हुआ है, इसमें मोटरसाइकिल से लेकर रामायण गीता तक देने की बात कही थी तो वो हमने पूरी की है और यहाँ पे सभी कन्याओं को 157 प्रकार की घरेलू सामग्री दी गई है जिसमें मोटरसाइकिल से लेकर रामायण गीता तक शामिल है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी सामग्री दी गई, लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा है कि अगली बार हम मोटरसाइकिल नहीं देंगे बल्कि कन्याओं की संख्या बढ़ा देंगे और निर्धन कन्याओं की विवाह की संख्या बढ़ाने से सभी का भला होगा और उन निर्धन कन्याओं के परिवार भी बसेंगे, अनावश्यक खर्च भी बचेगा, इसलिए अगले वर्ष मोटरसाइकिल देने की बजाय निर्धन कन्याओं की जो है वो संख्या बढ़ा दी जाएगी और अगले वर्ष 251 निर्धन कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम के मंच पर सम्पन्न होगा, यानी छठवां यहाँ पे जो बुंदेलखंड महोत्सव होगा उसमें 251 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी और भी अन्य उपहार की चीज़ें मिलेंगी। इस दौरान यहाँ पे तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो हमने अपने वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में आप लोगों से साझा की हैं। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को लेकर आप क्या विचार रखते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स पर बता दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वरदान एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं वरदान एक्सप्रेस बागेश्वर धाम का हर वीडियो, हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले लेकर आता है, क्योंकि बागेश्वर धाम के जिला मुख्यालय पर स्थित है वरदान एक्सप्रेस, इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर अपडेट, हर खबर से रूबरू रहने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।